और चीन में कोरोना वायरस के महालहर के बीच अब ब्रिटेन में भी इस कॉलरेट बुखार ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में इस बुखार के 30,000 मामले अब सामने आए हैं और वही 16 बच्चों की इस बुखार के कारण मौत हो गई है। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने यह बताया है कि पिछले सप्ताह में इस कॉलरेट बुखार के 10,000 नए मामले सामने आए हैं और इसे जानलेवा बुखार भी माना जा रहा है। बता दें कि इस दौरान ही 16 की मौत हो गई है। यही नहीं, अब इसके अमेरिका तक पहुंचने का डर सता रहा है। ये साल 2017-2018 में इसी समय आए थे, मामलों से बहुत ज्यादातर है। हालांकि पिछले साल भी आंकड़े ज्यादातर ही थे। एजेंसी के मुताबिक 11 से 18 दिसंबर के बीच 9,482 मामले सामने आए हैं। इससे मरीजों की कुल संख्या 30,000 तक पहुंच चुकी है। यह संख्या साल 2017-18 से ज्यादा जुड़ा हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि 18 साल से कम उम्र के 16 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। बता दें, कॉलरेट बुखार बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, जो ज्यादातर विकसित होकर घातक संक्रमण कर सकता है। बता दें, इसी दौरान ये बुखार फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें से तेज बुखार होना, खांसी, गले में सूजन आ जाती है। करीब 12 से 48 घंटे के बाद जो है रक्तकाल निकल आता है और इससे बच्चों की उल्टी भी हो सकती है। इस बुखार के अब अमेरिका में फैलने की आशंका जताई गई है, जिसको देखते हुए बाइडेन प्रशासन अलर्ट हो चुके हैं और माना यह जा रहा है अमेरिका में भी इस बुखार के कई मरीज हैं, लेकिन अभी उनकी ठीक ठाक संख्या मिल नहीं पा रही। और चीन में कोरोना वायरस के महालहर के बीच अब ब्रिटेन में भी इस कॉलरेट बुखार ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में इस बुखार के 30,000 मामले अब सामने आए हैं और वही 16 बच्चों की इस बुखार के कारण मौत हो गई है। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने यह बताया है कि पिछले सप्ताह में इस कॉलरेट बुखार के 10,000 नए मामले सामने आए हैं और इसे जानलेवा बुखार भी माना जा रहा है। बता दें कि इस दौरान ही 16 बच्चों की मौत हो गई है। यही नहीं, अब इसके अमेरिका तक पहुंचने का डर सता रहा है। यह साल 2017-2018 में इसी समय आए थे, मामलों से बहुत ज्यादातर है। हालांकि पिछले साल भी आंकड़े ज्यादातर ही थे। एजेंसी के मुताबिक 11 से 18 दिसंबर के बीच 9,482 मामले सामने आए हैं। इससे मरीजों की कुल संख्या 30,000 तक पहुंच चुकी है। यह संख्या साल 2017-18 से ज्यादा जुड़ा हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि 18 साल से कम उम्र के 16 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। बता दें, कॉलरेट बुखार बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, जो ज्यादातर विकसित होकर घातक संक्रमण कर सकता है। बता दें, इसी दौरान ये बुखार फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें से तेज बुखार होना, खांसी, गले में सूजन आ जाती है। करीब 12 से 48 घंटे के बाद जो है रक्तकाल निकल आता है और इससे बच्चों की उल्टी भी हो सकती है। इस बुखार के अब अमेरिका में फैलने की आशंका जताई गई है, जिसको देखते हुए बाइडेन प्रशासन अलर्ट हो चुके हैं और माना यह जा रहा है अमेरिका में भी इस बुखार के कई मरीज हैं, लेकिन अभी उनकी ठीक ठाक संख्या मिल नहीं पा रही।